ये धर्मपुर एरिया है और हिमाचल प्रदेश का धर्मपुर एरिया जो कि बहुत ही पहाड़ों के बीच में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और हमारे चैनल का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम आप तक अच्छी से अच्छी खबरें पहुँचाएँ, आपको देखने में आनंद मिले। और ये आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक धर्मपुर शहर है, स्टेशन है जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में आओ हम स्थानीय लोगों से कुछ जानकारी लें ताकि आप तक हम पहुंचा सकें। और ये जो डिपो है, जो बस स्टैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग मास्क को लेके भी कुछ ज़्यादा सावधानी नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बरत रहे हैं। तो इन पे भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो आओ हम स्थानीय लोगों से पता करते हैं कि यहाँ के जो लोकलिटी है, यहाँ का जो कल्चर है, उसके बारे में ये भाई लोग थोड़ा सा हमें बताएंगे। तो भाई जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शुभम राणा। शुभम राणा जी, आप बताएंगे, आप यहीं के हैं? जी। अच्छा, तो आप यहाँ के कल्चर के बारे में या यहाँ की वेशभूषा के बारे में या जिस तरह का यहाँ का जो पानी को लेके या मौसम को लेके थोड़ी सी चीज़ें आप बताइए ताकि हम अपने दर्शकों को हिमाचल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें। जी, यहाँ पे अपना धर्मपुर में हमारा कॉलेज भी है और श्री साईं ITI। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म ही रहता है, खाड़ वगैरह के कारण, नदी वगैरह के कारण यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म रहता है हमारा। तो थोड़ा क्लाइमेट सेम ही है, अप डाउन होता रहता है। बारिश का भी आजकल लगातार मौसम है और कोरोना काल के चलते अभी कॉलेज वगैरह खुले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अभी चल रहा है काम थोड़ा, तो बस यही है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? जी, मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है। अभी थोड़ा छुट्टी आए हो तो थोड़ा आगे यहाँ सामान वगैरह लेने। ठीक है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पिकनिक एरिया है। जी जी, ये भी सामने सामने देखा जाता है। इसके नज़दीक आनापतन जगह पाई जाती है जो शिव मंदिर छोटा लघु हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक पाई जाती है। तो अच्छा, वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। अच्छा एरिया है, नदी है, दो खाट मतलब खड नदी का संगम है। क्या नाम है आपका? अंकिता शर्मा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहीं से लोकल हैं, लोंगनी से। अच्छा, आप लोंगनी से हैं। तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती या हिमाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में या हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर हैं, देवी देवता हैं, क्योंकि जहाँ तक सामने तथ्य आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि लोग दूर दूर से हिमाचल प्रदेश में घूमने आते हैं और देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें बताएँ। आप यहीं पे देख सकते हो कितनी मतलब अगर आप कैप्चर करेंगे तो कितनी खूबसूरत जो है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो शिव जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर के नाम से यहाँ पे शिवद्वाला जो है वो पड़ा हुआ है। और साथ में एक और मंदिर है बाबा कमलैया, जो अभी बहुत प्रसिद्ध है, जो ऐसे बोलते हैं कि जो बाबा बालकनाथ है उनके भाई हैं वो, यहाँ पे तपस्या करने आए थे तो यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे हवा महल भी है बाबा कमलैया के वहाँ पे। तो बाबा कमलैया का मंदिर जो है अभी मतलब नया बना, और मंदिर जो है नया बना, तो वहाँ पे लोग जो है दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी पहले की जो पुरानी चीज़ें हैं, तोहफे वगैरह जो हैं वो अभी भी है वहाँ पे। और जैसे राजा के महल थे तो वो टूटे फूटे जो खंडहर हैं अभी भी वहाँ पे हैं। और अच्छा, आप हिमाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में कुछ बताइए। अंकिता जी, आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे। जैसे यहाँ पे अभी जो राखी हुई है, तो राखी के लिए ज़्यादातर जो हमारा एरिया है, अभी पूरे हिमाचल की तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे राखी है तो ये जो राखी है हम तब तक नहीं खोलते जब तक सैर एक त्यौहार होता है, तब इस राखी को जो है वो खोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप खड़ देख रहे हैं तो उसमें बहा दिया जाता है फिर खड़ में, और सैर में जो है जैसे नई नई जो फसल होती है उसको रखा जाता है, सैर पूजी जाती है, मतलब अलग अलग जैसे धान हो गई, नई फसल छल्ली है ना, मक्की जैसे बोलते हैं हम, तो वो जो है उनकी पूजा की जाती है और उनको जो है वो बहा दिया जाता है, तब ये जो राखी है इसको भी खोल के बहा दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं ये नहर है, ये जो एक जिसे क्या बोलते हैं आप, इसे
इसे क्या बोलते हैं आप? खड्ड बोलते हैं। अच्छा, खड्ड बोलते हैं इसको। तो इस नहर में पानी इतना ही रहता है बरसात के टाइम में या काफ़ी और भी? जैसा कि हमारी अंकिता जी से, जो स्थानीय यहाँ के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारी इनसे बात हुई हिमाचल के बारे में, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इस तरह से त्यौहार बनाए जाते हैं। यहाँ कमला मंदिर एक है वहाँ पे, जो बहुत अच्छी पूजना होती है, लोगों की मन्नतें मनाई जाती है, और यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल के बारे में, और यहाँ के जो खूबसूरती, जो मौसम को लेके काफ़ी चर्चित है,